इसमें देखिए कल जो एक घटनाक्रम हुआ था, एक बालिका थी नाबालिग और एक युवक था जो रेलवे स्टेशन पर मिले थे और इसके बाद वहां पर कुछ लोग इकट्ठा हो गए थे। जब बाद में पता चला, जब आरपीएफ और जीआरपी की टीम वहां रेलवे स्टेशन पहुंची तो पता चला बालिका बदायूं से यहां पर आई थी और उसकी गुमशुदगी लिखी हुई नाबालिग है। इस संबंध में संबंधित थाने से बात की गई और वहां से पुलिस टीम रवाना हो गई थी। बालक बालिका को अलग बैठाया गया था, लेकिन कुछ संगठन के लोग और कुछ विभिन्न संप्रदाय के लोग वहां पर दोनों पक्षों के उसमें इकट्ठा हो गए, जबकि वो बालक और बालिका यहां से संबंधित नहीं थे और वो बदायूं का मैटर था। वहां पर एक गुमशुदगी भी दर्ज थी। इसी दौरान हॉट टॉक्स के दौरान वहां पर दो पक्षों के बीच में नारेबाजी हुई और इसमें पथराव की घटना हुई। जैसी तत्काल पुलिस को जीआरपी के माध्यम से सूचना मिली, पुलिस बल वहां पहुंचकर भीड़ को तितर बितर किया गया और साथ ही साथ जो वहां पर घटनाक्रम था उस संबंध में एक मुकदमा जो पुलिस की तरफ से पथराव और तोड़फोड़ का दर्ज कराया गया। अभी तक की प्राइमरी इन्वेस्टिगेशन में इसमें देखा गया कि बहुत सारे ऐसे लोग थे जो विभिन्न संगठनों से या संप्रदायों से जुड़े हुए थे, लेकिन बहुत सारे ऐसे तत्व थे जिनकी पहचान नहीं हो पा रही थी कि ये लोग कौन है और कहां से आए हैं। आज इसमें दोनों पक्षों के काफी सारे लोगों को हिरासत में लेकर पुलिस ने अलग अलग पूछताछ कर रही थी और वीडियो फुटेज दिखाकर ये जानकारी की जा रही थी कि ये जो अन्य जो व्यक्ति पथराव करने वाले लड़के हैं जो यहां पर हैं वो कौन लोग हैं, कहां से आए, अगर उनकी जान पहचान है या जानते हैं तो उनके संबंध में बताया जाए जिससे उनकी गिरफ्तारी की जा सके। इसी संबंध में पूछताछ के लिए करीब 10 से 12 लोगों को अलग अलग विभिन्न थानों में बैठा के पूछताछ जारी है। इसको लेकर बहुत सारे लोगों में ये भ्रांति फैली गई कि इसमें बिना जांच के बिना इन्वेस्टिगेशन के अरेस्ट किया गया, तो मैं क्लियर करना चाहूंगा ये सिर्फ हिरासत में लेकर पूछताछ करने के लिए जो कानूनी पहलू था, चूंकि बहुत लोग वहां मौजूद थे और जिनके साथ ऐसे कुछ लोग थे जो पथराव कर रहे थे जिनकी आइडेंटिफिकेशन अभी तक नहीं हो पाई है, ये जानकारी करने के लिए ये कौन है, कहां से आए थे और क्या उद्देश्य था, इस संबंध में भी हमारी जानकारी और पूछताछ जो है चल रही है। सर, जिन लोगों से पूछताछ हो रही है, जिनको पुलिस ने अरेस्ट कर रखा है, उसको लेकर प्रदर्शन भी लगातार हो रहा है जिससे आम जनता को भी सफर करना पड़ रहा है, उस पर आप किस तरह देखते हैं? देखिए, जिस तरह कल घटनाक्रम हुआ जिसका कोई संबंध देहरादून से नहीं था और एक नाबालिग बच्चे की गुमशुदगी से मैटर रिलेटेड था जो भी अन्य प्रांत से था, और जिस तरह से विभिन्न तरह के लोग वहां पर इकट्ठा होकर रात को एक बलवा करने का प्रयास किया गया, सांप्रदायिक रंग देने का प्रयास किया गया, इसी कारण मुकदमा लिखा गया, लेकिन जिस तरह से आज कुछ लोग इकट्ठा होकर इस गिरफ्तारी को लेकर विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं, तो उनको मैं स्पष्ट करना चाहूंगा कि जिस तरह का कल घटनाक्रम हुआ, कोई बड़ी सांप्रदायिक घटना होती उसको रोकने के लिए पुलिस ने जो तत्काल कार्रवाई करी, केस लिखा है और कोऑपरेट करें इसमें। अगर लगता है कि उनके किसी व्यक्ति द्वारा इसमें गलत काम नहीं किया गया, कुछ बाहरी व्यक्तियों द्वारा इसमें ऐसा किया गया है, तो उनकी पहचान करने में पुलिस की मदद करें जिससे इस तरह के शरारती तत्वों को चिन्हित किया जा सके। और इस तरह के धरना प्रदर्शन शांतिपूर्वक अगर उनको कोई बात कहनी तो उसके लिए हमेशा पुलिस प्रशासन सुनने को तैयार है, लेकिन जिस तरह का कल एक सांप्रदायिक माहौल बिगाड़ने का प्रयास हुआ उसको आगे एकदम बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। सर, जिस तरीके से पूछताछ हो रही है और जिन लोगों का वेरिफिकेशन होता है कि वो लोग उस वक्त वहाँ मौजूद थे, उनके द्वारा ये घटना की गई, तो उनके खिलाफ किन धाराओं में मुकदमा दर्ज पुलिस? देखिए, इसमें जो है बलवे के साथ साथ पुलिस बलों को पथराव करना, साथ ही साथ तोड़फोड़ करना, सार्वजनिक संपत्ति को नुकसान पहुंचाना, सभी संबंधित धाराओं में इसमें हमने मुकदमा लिखा है। लेकिन इसमें कुछ लोग का कहना है कि वो वहां पर वार्ता के लिए गए थे, जानकारी करने गए थे, कुछ अराजक तत्व जो है दोनों तरफ से, चाहे वो कोई भी पक्ष हो, वहां पर आ गए और उन्होंने माहौल बिगाड़ा है, तो ये जानकारी करना बहुत जरूरी है। अराजक तत्व कौन है, किस लोगों से जुड़े हुए हैं, अगर वो स्थानीय नहीं है तो कौन लोग हैं, और इसी के लिए पुलिस प्रयासरत है। इसीलिए आज काफी सारे लोगों को इसमें लाया गया था थाने पर पूछने के लिए, वीडियो दिखाकर जानकारी करने के लिए, चूंकि उनकी प्रेजेंस वहां थी तो उनके साथ कौन लोग थे, अगर वो बलवा कर रहे थे तो कौन लोग हैं, उसकी पहचान के लिए अभी भी उनसे जानकारी की जा रही है। ये कल सायं की बात है कि दो पक्षों के बीच जो है एक अफरा तफरी का माहौल हुआ और पत्थरबाजी भी की गई है, कुछ वाहनों को भी क्षतिग्रस्त करने की कोशिश की गई है। तो इस घटनाक्रम के आधार पर हमारे द्वारा जो कोतवाली पलटन बाजार है देहरादून, उस पर जो है गंभीर धाराओं में बीएनएस के तहत और 7 क्रिमिनल लॉ अमेंडमेंट एक्ट, साथ ही साथ जो है डिफेसमेंट ऑफ पब्लिक प्रॉपर्टी या फिर डिस्ट्रक्शन ऑफ पब्लिक प्रॉपर्टी, इनकी जो है सुसंगत धाराओं के अंतर्गत अभियोग पंजीकृत किया गया है, उसकी तफ्तीश जो प्रारंभ कर दी गई है और साथ ही साथ इसमें जो है जो भी लोग इसमें नामजद हैं तत्काल उनकी जो है गिरफ्तारी के प्रयास किए जा रहे हैं और जल्दी ही उन सबको जो भी इसमें इन्वॉल्व थे उनको गिरफ्तार कर जो है माननीय न्यायालय में पेश किया जाएगा। और अब स्थिति जो है वो पूर्णतः नियंत्रण में है। रात ही जैसे सूचना प्राप्त हुई तो तत्काल आसपास के थाना क्षेत्रों से पुलिस तत्काल मौके पर पहुंच गया था और स्थिति को काबू किया गया था, और इसके उपरांत जो भी हमारे मिक्स पॉपुलेशन वाले एरिया थे वहां भी पुलिस के द्वारा जो है रात को ही फ्लैग मार्च किया गया था, और आज भी जैसे कि फ्राइडे है और इसी के सुरक्षा के दृष्टिगत जो है जो भी हमारे मिक्स पॉपुलेशन वाले एरिया है वहां भी फोर्स को डिप्लॉय कर दिया गया है और अब स्थिति पूर्णतः नियंत्रण में, कोई ऐसी दिक्कत वाली बात नहीं है, और जो अभियोग पंजीकृत किया गया है उसमें भी हम लोग तत्काल जो है वैधानिक कार्रवाई सुनिश्चित कर रहे हैं। सर, ये क्या कुछ पूरा मामला था जिससे इस तरीके का बवाल देखने को मिला देहरादून?
देखिए, मामला एक नाबालिग लड़की की गुमशुदगी दर्ज हुई है वहाँ थाना दातागंज जनपद बदायूं में, और उसी के परिप्रेक्ष्य में लड़की यहाँ आई है। और जो प्रथम दृष्टया जो इन्फॉर्मेशन आई है कि लड़की का कोई जानने वाला था लड़का, जो कि वहीं का रहने वाला था और वो सैलाकू में काम कर रहा था, तो वो रेलवे स्टेशन लड़की के द्वारा उसको बुलाए गए थे मिलने के लिए। और जब वो रेलवे स्टेशन पर बैठे हुए थे तभी जो है एक पक्ष आता है, फिर उनके साथ जो कुछ बदतमीजी वगैरह की गई, जब पुलिस को सूचना मिली जीआरपी आरपीएफ उनके द्वारा जो है उनको बैठाया गया अपने और उनके संबंधित थाने को और परिजनों को सूचना दी गई थी। तो इसी बीच दूसरे पक्ष को भी पता चला और फिर धीरे धीरे जो है भीड़ इकट्ठा हो गई और जैसे वो तनातनी का माहौल हो गया, नारेबाजी वगैरह की गई, इसी दौरान जो है वो पथराव भी शुरू हो गया। तो घटनाक्रम से यहाँ से कोई लेना देना नहीं था, वो बदायूं के ही लड़का लड़की थे, पुलिस भी आ गई थी। तो अब लड़के को भी भिजवा दिया गया है, लड़की को भी उनके पुलिस और परिजन के सुपुर्द कर दिया गया है, तो बिल्कुल वो सेफ एंड साउंड है। और जो भी यह घटनाक्रम किया गया है उसके संबंध में हमने अपनी कार्रवाई शुरू कर दी है। रात हुई देहरादून में रेलवे स्टेशन पे घटना के बाद, पथराव के बाद पुलिस एक्शन में आई, पुलिस ने अराजक तत्वों को गिरफ्तार किया। वीडियो के बाद जिन जिन लोगों की शिनाख्त हुई उन लोगों को गिरफ्तार किया गया, और उसके बाद कुछ हिंदू संगठन यहाँ पर इकट्ठा होते हैं और यहाँ सड़क जाम कर देते हैं। देखिए स्थिति क्या है, स्थिति सीधे रूप से आप देख सकते हैं कि किस तरह से स्थिति यहाँ पे पूरी बिगड़ चुकी है। ये देहरादून का घंटाघर क्षेत्र है और आप देख सकते हैं कि यहाँ पे हिंदू संगठन लगातार विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। क्या क्या वजह है, क्या मेन वजह क्या है? देहरादून के अंदर जिहाद की आंधी आई है। जिहादी एक बड़ी योजना के साथ हमारी बहन बेटियों के बलात्कार कर रहे हैं, नाबालिग लड़कियों को उठा के लेके जाते हैं और दुकानों पे व्यापार जिहाद कर रहे हैं। वो एक बड़ी योजना बनाकर हमारे धार्मिक स्थलों को नुकसान पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं। जो हिंदू युवा धर्म की रक्षा के लिए काम करता है उनकी हत्याएं करने पर उन पर हमले करने के काम करते हैं और उनके बचाने का काम विकास वर्मा लंबे समय से देहरादून में करता है। आज देहरादून की पुलिस जिहादियों के हाथों बिक गई है, उनके टुकड़ों पर पल रही है, इसलिए योजना बनाकर विकास वर्मा को झूठे मुकदमे में उठाने का प्रयास कर रही है। अब आपका अगला क्या कदम होगा? अब तो हिरासत में ले लिया है, गिरफ्तारी हो गई है। अभी कोई हिरासत में नहीं लिया है, पुलिस के अधिकारियों का कहना है कि अभी हिरासत में नहीं लिया गया है, अभी छोड़ा जाएगा, एसएसपी को बर्खास्त किया जाएगा, नहीं तो शाम तक पूरे प्रदेश के अंदर सरकार के खिलाफ भी और पुलिस के खिलाफ भी बजरंग दल बड़ा आंदोलन करेगा। अब आने वाले समय में क्या लगता है आपको, पुलिस छोड़ेगी आपकी इस मांग को, मानेगी? जब वीडियो में वो दिखाई दे रहे हैं, पुलिस की सीधे रूप से कहना है कि वीडियो में दिखाई दे रहे हैं, तो आपका क्या कहना है? जिहादी पुलिस, उत्तराखंड की जिहादी पुलिस को ये नहीं दिखाई देता कि विकास नगर के अंदर कावड़ियों के ऊपर ये जिहादी हमले करते हैं, इन्हें नहीं दिखाई देता कि ये पहले पथराव करते हैं, अगर अपने बचाव में कोई पत्थर वापस फेंकता है तो उस वीडियो को दिखाती है।